वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संस्कार एंड यू आर वॉचिंग एचडी व्लॉग्स फ्रेश लुक। तो आज का व्लॉग ऐसा रहने वाला है, जैसे आपको पता है कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, 22 अगस्त को है वो। तो आज हम जाएंगे गणपति बुक करने घर की, लेकिन गणपति नहीं दिखाऊंगा जो मैं बुक करूंगा अपने लिए, लेकिन आपको कुछ सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा और वो शॉप के ओनर से बात करवाऊंगा कि कैसा चलेगा इस टाइम, क्या रहेगा और इस टाइम मंडप वगैरह लगने वाले हैं कि नहीं। तब मैं ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करता हूँ, सीधा वहीं शॉप पे चलते हैं। आप इंजॉय करो एक छोटा सा प्यारा सा टाइम लैप्स। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं भैया के पास। भैया के पास इस टाइम बहुत सारी मूर्तियां है अभी भी, कोरोना के बाद से भी। या कैसा सिचुएशन था ये बताओ इस टाइम मूर्ति के बाद? टाइम में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही है, लेकिन प्लस अभी ग्राहक जो छोटियां मूर्तियां पसंद कर रहे हैं जी, छोटी मूर्ति बिठाना जी जी पसंद, बड़ी मूर्तियों पर ध्यान नहीं दे रहे। और प्लस उसके बाद में इको फ्रेंडली प्लस मिट्टी की घर में विसर्जन करने लायक लोग बाहर जाने को अवॉइड कर रहे हैं जी। तो उसके हिसाब से अब मूर्तियाँ आई है, वही सब चल रहा है जी जी। तो भैया के पास इस टाइम अच्छी अच्छी मूर्तियाँ आई हुई है, इस टाइम इको फ्रेंडली मूर्ति है पर इस टाइम कम है, लेकिन अगले साल और ज़्यादा बढ़ने वाला है इको फ्रेंडली का। और इस टाइम सब लोग घर पे ही विसर्जन करो ऐसा मेरा मानना है, और मैंने भी भैया के यहाँ से गणपति बुक कर ली है। और भैया इस टाइम तो प्लस इस साल पीओपी है, नेक्स्ट ईयर से पीओपी बंद होंगी, और पीओपी आने वाले समय में बिठाना भी नहीं चाहिए, प्योर मिट्टी बिठाओ जी जी। मिट्टी की गणपति आप अपने घर में ले जाओ, घर में विसर्जन करो जी, तालाब में ना विसर्जन, घर में उसको विसर्जन करके अपने घर में उसकी मिट्टी लेके खाद में डालो, खाद में डालो, झाड़ों में डालो जी। भैया ने मेरे को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैं अपनी मूर्ति देख रहा था, तो भैया एक बार वो मूर्ति से भी आप प्लीज़ उसको एक्सप्लेन कर लो। जैसे ये मूर्ति मिट्टी की है, इसमें खाद लगा हुआ है, खाद टाइप की है, इसमें जैसे अपने खेतों का घास वगैरह रहता है उससे बनाई गई है। इसको विसर्जन करने के बाद में इसकी मिट्टी आप अपने पेड़ पौधे में डाल सकते हो, इससे आपके पौधे की भी ग्रोथ अच्छी रहेगी और मूर्ति घर की घर में विसर्जन होगी। जैसे वो खाद वाली मिट्टी की थी, ये प्योर साड़ू मिट्टी की मूर्ति है, ये वाइट मिट्टी रहती है, चिकनी मिट्टी रहती है। जब मैं अपनी मूर्ति पसंद कर रहा था, भैया ने मुझे बताया कि पीओपी की मूर्ति कितना टाइम लेती है भैया उसको विसर्जन करने में, अगर घर पे किए तो? पीओपी की मूर्ति अगर घर पे विसर्जन करते हो तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो भी भैया कितना टाइम लगता है आपने उस टाइम जो बताया था वो बता दो। कम 4-5 महीने लगते हैं, तो भी पूरी मिल नहीं होती है, पीओपी कभी गलती नहीं है जी, उसको थोड़ा टाइम लगता है। सिर्फ हो सकता है थोड़ा पेंट वगैरह उसका उतर जाए और थोड़ा सा मिल्ट हो जाए, क्योंकि इतने जल्दी नहीं होता। तो आपने सुन लिया कि उसको 4-5 महीने लग जाते हैं भाई विसर्जन करते करते अगर घर पे किए तो। अगर बाहर करते हैं, सोचो अगर नागपुर में जैसे मैं रहता हूँ फुटाला में विसर्जन होता है, तब आप इस टाइम सोच सकते हो कि वाटर बॉडी को कितना ज़्यादा डैमेज होता है। और प्लस जितनी भी बड़ी मूर्ति है वो भी सब पीओपी की रहती है, तो उसमें सोचो क्या क्या होता होगा और नागपुर में कितनी सारी मूर्तियाँ बैठती है। तो प्लीज़ हो सके तो इस टाइम मिट्टी की ही मूर्ति लो और इको फ्रेंडली मूर्ति लो और घर पे ही विसर्जन करो, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरा पहले ही हालत ख़राब कर रखा है। और भी इस टाइम आशा करते हैं कि बापा आए हैं तो विघ्न को पूरा हर के जाएंगे इस टाइम अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जो कोरोना आए हैं वो जाएंगे जी बिल्कुल, और गणपति जी उनको लेके ही जाएंगे, लेके जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं 10 के 10 दिन पूरे व्लॉग्स बनाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सिनेमैटिक दिखा देता हूँ मूर्तियों का जो मैंने निकाला है, आप वो देखो, फिर अपन भैया से थोड़ी और बात करेंगे, फिर अपन ये वीडियो को भी एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है मुझे।
आई होप आपको वो छोटा सा सिनेमैटिक पसंद आया होगा। अब बात करते हैं भैया कि आप बताइए अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जितना भी आपका, जैसे आपको किसी को बुकिंग करना हो मूर्ति की, आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भैया प्लीज़ एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जी। हमारा एड्रेस है नेकोसा बाग सिंधी कॉलोनी, ये नियर कड़वी चौक से अंदर आओगे ब्रिज के नीचे में ही पड़ता है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9823096893 प्लस दूसरा नंबर है 8421884886। जी भैया, थैंक यू भैया, आपने मुझे मौका दिया शूट करने के लिए। जी भैया बिल्कुल। तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाइएगा। तो इस टाइम वेट क्यों मंजे, अगली वीडियो तक मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।